काशीपुर पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कस लिया है और एटीएम चुरा कर ले जाने वाले अंतरराज्यीय चोर गिरोह को पकड़ लिया है। खनन माफिया के खिलाफ धरना दे रहे लोगों पर फायरिंग करने वाले अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। काशीपुर में विगत 24 दिसंबर को ग्राम अजीतपुर में खनन माफिया के खिलाफ धरना दे रहे लोगों पर फायरिंग की गई। इसके बाद ग्रामीणों पर जानलेवा हमले के मामले में जीतेन सिंह ने थाना आईटीआई पुलिस को 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि धरने पर बैठे लोगों की हत्या करने की नीयत से नईम यासीन मुस्तकिम सहित 50-60 अन्य लोग धरने पर बैठे लोगों पर गोलियां चला रही थी, जिसमें से 4 लोग घायल हुए थे। इस मामले में 4 अभियुक्तों को दबिश डालकर गिरफ्तार कर लिया गया है। उधम सिंह नगर जनपद में साथियों मैं बताऊंगा कि फायरिंग को हमारा माफी नहीं करते, देयर इज नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारा फायरिंग के घटनाओं पे। तो तत्काल हमने जो तहरीर है, तहरीर के आधार पर 307, 120 बी, बलवा 147, 148, सेक्शन 34, 504, 506 सारे संगीन धाराओं में, जिसका लगभग आजीवन कारावास तक सजा है, उन संगीन धाराओं ने हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। कुल 11 नामजद के विरुद्ध जो है FIR पंजीकृत हुआ है। आज जो है अभी शाम तक तत्काल कार्रवाई करते हुए SHO, CO और सभी SSP सभी टीम जो लगातार कार्रवाई कर रहे थे, दबिशें दी रही थी। कुल मिला के 3 अभियुक्त नईम, शहादत और मुस्तकीम, 3 लोगों का हमने गिरफ्तारी कर दिया है। शेष सभी लोगों के ऊपर जो है चौथा भी अरेस्ट हो गया, चौथा आदमी भी एक अरेस्ट हो गया है। कुल बाकी शेष जितने भी लोग हैं उन सभी के घरों में दबिश दिया जा रहा है, और मैं आपको वादा दिलाता हूं कि सभी लोगों को ऊपर घर में दबिश देंगे और जो है आवश्यकता के अनुसार वारंट लेंगे, इनामी बनाएंगे, कुड़की की कार्रवाई कराएंगे और संपत्ति की ध्वस्तीकरण और संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई भी कराएंगे, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। क्योंकि ये 2 गांव का अवैध खनन को लेकर जो टशन है उसके वजह से प्रदेश को या जिले को या किसी भी सूरत में हम बदनामी होने नहीं देंगे। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक का ATM चोरी किए जाने के मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि गिरफ्त में आए 3 शातिर चोर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े हैं, जो अलग अलग राज्यों में ATM मशीन चोरी किया करते हैं। गिरफ्तार चोरों के नाम नाजिम, तासिम और शमशुद्दीन उर्फ शमशु बताए गए हैं। इनके पास से 3,20,000 रुपये नकद, 1 स्कॉर्पियो, 1 तमंचा, 315 बोर और 12 बोर के कारतूस के साथ ATM काटने के औजार भी बरामद किए गए हैं। टोटल 3 अक्यूज्ड अरेस्टेड हैं, साथ में ये घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और ATM जो उखाड़ के ले गए थे वो एक्चुअल ओरिजिनल ATM हमने वापस लाया है। 3 लाख रुपए का कैश लाया है, विभिन्न सामग्री, डुप्लीकेट नंबर प्लेट सब बरामद किया है हमने। बेहतरीन और प्रोफेशनल पुलिसिंग है। माननीय DGP महोदय और माननीय CM साहब और DGP महोदय का लगातार निर्देश रहता है कि अपराध रुकना चाहिए और अपराध मुक्त उत्तराखंड बनना चाहिए। इसके लिए वर्कआउट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। तो इसलिए भय मुक्त और अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है तो वर्कआउट, सही वर्कआउट करना और उनके ऊपर निरावरणात्मक कार्रवाई करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस दिशा में ये जो काम कर रही है काशीपुर पुलिस, इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और 2,500 रुपये का कैश रिवॉर्ड है, DIG साहब की तरफ से भी रिवॉर्ड की घोषणा हम कराने के लिए पत्राचार जी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।